कहाँ जा रहे हैं, नाचो जाओ। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अरुण को ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि उसका कॉलेज से रिलेटेड कुछ काम है और वो जा रहा है पटना। ठीक है, तो उसको हम पहुंचा देंगे। और आज सुबह सुबह खाना भी बन चुका है, देखो मम्मी सबको खाना दे रही है, अरुण खा रहा है और अभी मम्मी रोटी भी पकाएगी, क्योंकि अरुण का रात के लिए भी कुछ देना पड़ेगा बना करके। तो चलो देखते हैं, और जहाँ पहुंचाएंगे उधर से हम पापा का शर्ट भी लेते आएंगे जो दर्जी को दिए हैं। तो ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज अरुण के बहाने मुझे भी सुबह सुबह चावल और सब्जी, ऐसा लंच नहीं, ये ब्रेकफास्ट समझ सकते हो, क्योंकि खाएंगे आएंगे 12-1 बजे। फाइनली हम और अरुण निकल चुके हैं, देखो बाइक में ये ड्राइव कर रहा है, इसका बैग मेरे पीछे है, इसको ड्रॉप कर देंगे हम, इसको छोड़ देंगे अभी हम थोड़ा दूर जा करके, मोहनपुर मोड़ नाम का एक जगह है वहाँ छोड़ देंगे, वहाँ से इसको हंसडिया का गाड़ी मिल जाएगा और हंसडिया से इसकी ट्रेन है। क्या बजे अरुण? 3:30। 3:30 बजे शाम में। अभी कितना बज रहा है? अभी लगभग 1:00 बज रहा होगा। फिलहाल अभी रामगढ़ जाएंगे, रामगढ़ से पापा का शर्ट लेके आएंगे और फिर इसको छोड़ देंगे, ये चला जाएगा ऑटो पकड़ के और मैं आ जाऊंगा घर पापा का शर्ट लेकर के। तो चलो चलते हैं। देख लो बढ़िया से। तो फाइनली अरुण तो चला गया, अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि बारिश भी आ रही है, फंस जाएंगे रास्ते में, इसलिए जल्दी जाना पड़ेगा मुझे। गजब है यार, उस दिन मुझे अरुण ड्रॉप किया था, हम भी पटना जा रहे थे, आज मैंने उसे ड्रॉप किया वो भी पटना जा रहा है, लेकिन अरुण मुझे स्टेशन तक ड्रॉप किया था, लेकिन तभी मॉर्निंग का टाइम में हम जाने वाले थे, अभी इवनिंग है रात हो जाएगा, इसलिए अरुण बोला कि यहीं तक छोड़ दो हम ऑटो से चल जाएंगे, तो उसको ऑटो में ड्रॉप कर दिया, वो चला गया स्टेशन। घर जाके फ़ोन करते हैं उसको, मिला कि नहीं मिला ट्रेन। तो गाइस फाइनली घर पहुँच गए, देखो पापा का शर्ट भी ले आए जो दर्जी के पास दिए थे सीने के लिए, वो रेडी हो गया है। और अरुण बोल रहा है कि अभी नहीं पहुंचा है, कॉल किए थे उसको हम, लगभग 25 किलोमीटर है तो लेट तो थोड़ा लगेगा ही। तो अरुण को फ़ोन किए थे, वो बताया कि ट्रेन मिल गया लेकिन सीट नहीं मिल पाया, उसकी ट्रेन की टिकट जो है मैंने बुक किया, 2 टिकट बुक किया है, एक भागलपुर से पटना का बुक कर दिया है और उधर से रिटर्निंग कर दिया है पटना से भागलपुर, और ऐसे भागलपुर से हंसडिया लोकल 20 रुपया भाड़ा है, इसलिए उसका टिकट बुक नहीं किए, वो स्टेशन में यूँ ही मिल जाता है, वहाँ नहीं मिल पाता है तो पहले बुकिंग करना पड़ता है, तो पहले बुक कर दिया हम 2 जगह का। फिलहाल मम्मी हटिया गई है सब्जी खरीदने के लिए, आज हटिया है, बुधवार है, तब तक मैं एक वीडियो बना लेता हूँ। फिलहाल देखो मम्मी सब्जी लेके आ गई है, आज हटिया है ना, बुधवार, आज मतलब बुधवार और शनिवार को हटिया लगता है मेरे घर के सामने ही, तो देखते हैं क्या क्या लाई है खरीद करके। देखो मेरा सबसे फेवरेट लाल साग, यदि लाल साग मिल गया और दाल भी ना मिले, कुछ भी ना मिले, तो मैं इसके साथ खा सकता हूँ, सबसे फेवरेट। और क्या क्या मिला है, टीका ले ले, ये देखो ये पहली बार खाएंगे, ऐसा कभी खाए नहीं है। और लाई है गोभी, इसके बाद ये देखो भाई ये आ गया कद्दू, और सबसे बड़ी बात कि मम्मी का आज पूर्णिमा है, आज उपवास कर ले भाई ना, मम्मी आज उपवास किया, पूर्णिमा है तो आज कुछ नहीं खाई है दिन भर। और हरी मिर्च, हरी मिर्च है और कुछ नहीं है ना, गोभी, हाँ तो वो तो हो गई गोभी, और नया आलू, नया आलू नहीं, नया आलू भी आ गया मार्केट में लेकिन नहीं यहाँ नहीं आया है। फुल एंजॉय, कहाँ जा रहे हैं, नाचो जाओ। अभी पूरा बच्चा पार्टी आया हुआ था, आदिति निखिल और घर के सामने के 1-2 बच्चे आए थे, काफी पूरा मस्ती किया, आधा घंटा डांस किया। और अरुण बता रहा है कि उधर धूप है और इधर देखो, मतलब बिहार में धूप है और झारखंड में बारिश हो रहा है, पता नहीं, हो सकता पूरा बिहार धूप ना होगा लेकिन कहीं कहीं धूप है, अरुण जहाँ गया वहाँ पर धूप है और इधर कॉल कर रहा है तो बता रहे हैं कि इधर तो बारिश हो रही है।
पता नहीं क्या माहौल है भाई। तो फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा नहीं लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और डेली ब्लॉग अब आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।